नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रो निच क्या होता है, माइक्रो निच ब्लॉग क्या होता है और उसे कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको उस कम मेहनत में आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा कि माइक्रो निच कैसे काम करता है और कैसे उस पर ऑन पेज और ऑफ पेज जो ऑन SEO करना होता है उसको कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी वीडियो होती है, नई जानकारियाँ होती है, वो मैं आप तक लेकर के आता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड जो एक नीच जो होता है, नीच हो जाता है। जैसे अगर हेल्थ केयर एक नीच है और अगर आप हेल्थ केयर के बारे में अगर लिखते हैं तो वो एक आपका हेल्थ केयर नीच वेबसाइट हो गया। लेकिन हेल्थ केयर में भी एक अगर आप पार्टिकुलर टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे हेल्थ केयर में हेयर ट्रांसपेरेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है और रेगुलर आती है, तो अगर किसी ने हेल्थ सिर्फ हेयर ट्रांसपेरेंट को लेकर के अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो वो उसका माइक्रो निच साइट होगा। अगर सिर्फ उसको इस पर्टिकुलरली हेयर ट्रांसपेरेंट के बारे में ही अपने कस्टमर को, अपने जो ट्रैफिक है उसको बताना है, तो दूसरे ब्लॉग के मुकाबले उसका ब्लॉग रैंक करने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसने पर्टिकुलरली उस ब्लॉग पे ही, उसी टॉपिक पे ही मेहनत की है, उसी कीवर्ड पे काम किया है, उस कीवर्ड को किस तरह से यूज किया है वो डिटरमाइन करेगा कि उसका ब्लॉग का फ्यूचर क्या होगा। तो जो माइक्रो निच करता है वो पर्टिकुलरली कीवर्ड पे काम करता है और उसके पता होता है कि उसके कंपटीटर ने कितने कीवर्ड को कितनी जगह बार यूज किया है, वो उसको उससे ज़्यादा बार यूज करता है, जिससे उसका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका बहुत हाई हो जाता है और वो गूगल के रैंक में आता है और उसका वायरल होने की चांस ज़्यादा होती है। दोस्तों बेसिकली माइक्रो निच साइट में बेसिकली 15 से 20 पोस्ट होते हैं, उसमें जो एक पोस्ट होता है पर्टिकुलरली हेयर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसके आजू बाजू बहुत सारे उसी के रिलेटेड और भी पोस्ट बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू जब आपके ब्लॉग पे 15-20 पोस्ट होता है गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपका जो पर्टिकुलरली आपने जो जिस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया हुआ है उस पर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट होते रहता है और आपको क्या करना रहता है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना होता है कि आपका गूगल एडसेंस का थ्रेशहोल्ड, पैसे का जो थ्रेशहोल्ड है कब पूरा, $100 का कब पूरा हो जाए और आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। तो माइक्रो निच का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आप उसका सिर्फ फ़ायदा उठाते रहते हैं। मैं माइक्रो निच एक और तरीके से समझाना चाहूँगा कि माइक्रो निच सपोज अगर आप पर्टिकुलरली किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में लिख रहे हैं, ये आपका निच हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप स्मार्टफोन के बारे में लिख रहे हैं कि स्मार्टफोन जो है ये एक माइक्रो निच हो गया, और अगर आप और पर्टिकुलरली सैमसंग मोबाइल के बारे में ही लिख रहे हैं तो वो और एक पर्टिकुलरली माइक्रो निच हो गया। तो अगर आपने सिर्फ तय किया है कि आप माइक्रो जो सिर्फ आप स्मार्टफोन के बारे में लिखोगे जिसका रैम 2 GB से ऊपर हो, तो अगर आप उसी उसके बारे में लिखोगे तो आप जो उसका डोमेन नेम लोगे वो भी स्मार्टफोन के नाम से ही लोगे, आप जो उसका कीवर्ड लोगे, जो आप उसका कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करोगे और आप देखोगे किस कीवर्ड से ये ब्लॉग रैंक कर सकता है। तो दोस्तों माइक्रो निच साइट में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है कि आपका जो डोमेन है वो आपने कैसा लिया है, दूसरा आपने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया उसका कीवर्ड रिसर्च कैसे किया है, तीसरा आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसा किया है, चौथा आपने ब्लॉग क्रिएट कैसा किया है, और पाँचवा आपने गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया है। ये 5 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं लाइन बाई लाइन आपको उस सारे टॉपिक के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला चीज़ है कि जब आप माइक्रो निच बनाते हो तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आप डोमेन लेते हो। डोमेन आप वैसा ही लो जिस टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे अगर मैं हेयर ट्रांसपेरेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे उसका ब्लॉग बनाना है तो मैं हेयर ट्रांसपेरेंट के रिलेटेड ही एक ऐसा डोमेन नेम लूँगा जिसमें हेयर ट्रांसपेरेंट करके वर्ड आए, जिससे क्या होगा ना कि वो जैसे ही गूगल जो कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका डोमेन स्कोर भी हाई हो जाएगा। अब उसके नीचे अगर आप हेयर ट्रांसपेरेंट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बार अगर उस कीवर्ड का यूज करेंगे, हाउ टू हेयर ट्रांसपेरेंट इस कीवर्ड का अगर मानते हैं CPC बहुत ज़्यादा है, अगर आपने उसका यूज़ ज़्यादा किया तो वो रैंक होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि जो आप डोमेन लेंगे वो छोटा हो और उसमें वो जो आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो उसमें आता हो, ये हमेशा
चेक करके आपको डोमेन लेना है। बहुत सारे टूल्स है जिसके थ्रू आप जो भी माइक्रोनिश साइट जिसके बारे में बता रहे हैं उसका रिलेटेड सजेशन आपको ईमेल जो डोमेन है उसका सजेशन आपको मिल जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च। जब आप इसका कीवर्ड रिसर्च करते हो माइक्रोनिश के लिए कि आप किस कीवर्ड पर काम करना है, आपको सबसे पहला चेक करते हो कि इसका CPC हाई हो। CPC मतलब हाई मतलब कि उसका जो आपका पर क्लिक जो ये पैसा आपको मिलना है वो हाई होना चाहिए, और उसका ट्रैफिक जो है इन बिटवीन होना चाहिए। इन बिटवीन की बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, लेकिन हाँ मिनिमम आपको देखना है कि 4000 ट्रैफिक विजिटर आपके ब्लॉग पे आते हैं कम से कम, तो ही आप उसको यूज कीजिए। तीसरा चीज, उसका कंपटीशन हाई होना चाहिए। कंपटीशन हाई और मीडियम में होना चाहिए, खासकर मीडियम में अगर है तो आपका बहुत चांस है कि वो ब्लॉग पे अगर आप काम करते हैं तो वो टॉप पे आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको मीडियम जो कीवर्ड है वो लेना है, हाई को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और लो को भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि लो इसलिए क्योंकि उस पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अब अगर आपको हिडन कुछ ऐसा चीज़ मिल गया जिसकी सर्च ज़्यादा है और उसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो है तो आप वो कर सकते हैं, वो एज पर पर्टिकुलरली कंडीशन अप्लाई है उस पर जो आप सोच रहे हैं। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टर्म कीवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कोरोना चल रहा है आपने कोरोना कीवर्ड को लेकर के आपने माइक्रोनिश बना लिया और बाद में अभी कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका ब्लॉग उस टाइप का अर्निंग नहीं दे पाएगा जिस टाइप का अर्निंग आप सोच रहे हो। तो आप बी श्योर कि वो एक ऐसा होना चाहिए कि उसका रैंक मतलब उसको लॉन्ग टर्म उसकी सर्चिंग होती रहे। प्लस आप प्रोडक्ट का भी आप माइक्रोनिच कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन का अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है वो एकदम टारगेटेड ऑडियंस है, तो उसमें आपका अर्निंग होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको वो वही चीज़ सर्च करते आ रहे हैं जिसके बारे में आपने लिखा है। तो अगर आप एफिलिएट लिंक भी अगर वहाँ पर लगाते हो तो आप अच्छा ज़्यादा यूज कर सकते हो। कुछ माइक्रोनिच है, एयर प्यूरीफाइड हो गया, स्मार्टफोन हो गया, और VPN हो गया, एयर प्यूरीफाइड हो गया, वाटर प्यूरीफाइड हो गया, ये सब एक माइक्रो नीचे जिस पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इसमें जब माइक्रो नीच तैयार करते हैं इस समय मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जब आप माइक्रो नीच तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो कहाँ से आने वाला है। जैसे अगर आप हेयर ट्रांसपेरेंट का अगर आप बारे में बता रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टारगेटेड ट्रैफिक जो है कहाँ से आएगा, US से आएगा, UK से आएगा, इंडिया से आएगा। US और UK का जो CPC होता है बहुत हाई होता है, तो आपको उस वहाँ के अगर किसी रिलेटेड चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में अगर लिखते हैं तो उस पर आपको अर्निंग होने की चांस ज़्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो माइक्रो नीच में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ब्लॉग कम से कम 2000 वर्ड का लिखना है, एक ब्लॉग, और बाकी का जो आप 14-15 ब्लॉग तैयार करोगे या 18 ब्लॉग तैयार करोगे, क्योंकि टोटल आपको 20 ब्लॉग लिखना है, तो वो ब्लॉग आपको उसी के रिलेटेड टॉपिक पे, जैसे हेयर ट्रांसपेरेंट पे आप लिख रहे हैं तो हेयर ट्रांसपेरेंट के फ़ायदे, हेयर ट्रांसपेरेंट के नुकसान, हेयर ट्रांसपेरेंट करने के बाद क्या क्या लाइफ चेंज हो जाता है, व्हाट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसपेरेंट, ये सारा कुछ आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये इसके रिलेटेड होना चाहिए। प्लस उसमें आपको क्या करना है ना कि आपने जो मेन ब्लॉग लिखा है, जैसे हेयर ट्रांसपेरेंट कैसे करें, वो ब्लॉग जो आपने लिखा हुआ है, सपोज माइक्रोनिच का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी अगर आपने अच्छा ब्लॉग जो 2000 पेज का जो लिखा हुआ है वर्ड का, उसमें आप वो जो आपने 15 ब्लॉग 18 ब्लॉग लिखा है उसका लिंक आप उसमें डालते जाओगे, जिससे क्या होगा ना कि आपका बैकलिंक अपने ब्लॉग में ही बैकलिंक तैयार हो जाएगा, जिससे आपका जो इस ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो आपके दूसरे ब्लॉग पे भी जाएगा, वो भी वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी। जो आपका जो 18 ब्लॉग जो पेजेज है उस पर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कम भी काम कीजिएगा तो आपको यहाँ से आपको उसकी ट्रैफिक मिल जाएगी। तो वो आप बैकलिंक, आपको इंटर ब्लॉग बैकलिंक तैयार करना है। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। आपने किसी पर्टिकुलरली कीवर्ड पे काम किया है, किसी पर्टिकुलरली ब्लॉग पे आपने काम किया, आपको पता है कि आपके ट्रैफिक कैसे कैसे आने वाले हैं, आपको पता है किस कीवर्ड से इसका सर्च किया जाना है इस ब्लॉग को, आपको उसी कीवर्ड पे जिसकी जानकारी आपके माथा पे है, आपने जब कीवर्ड रिसर्च किया है तो आपने देखा कि उस कीवर्ड का अगले ब्लॉगर ने कितना बार अपने ब्लॉग में यूज किया है, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी ने 50 बार यूज किया तो आप उसको कम से कम 55 बार अपने ब्लॉग में यूज करें। और 2-3 कीवर्ड जो हाई CPC के 2-3 कीवर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे उस समय, और उसको कम से कम अपने ब्लॉग में इतनी बार यूज करेंगे कि जब आप कोई ब्लॉग अगर आप गूगल में लिस्ट करते हैं तो जब जैसे ही वो कीवर्ड सर्च करें
आपका ब्लॉग सबसे टॉप पे आए, आपकी अर्निंग वहाँ से जनरेट होगी। एक आपकी अर्निंग होने की सबसे बड़ी वजह आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो टारगेटेड वो प्रोडक्ट खोजते हुए आ रहा है, तो आपने एफिलिएट लिंक डाला और उसका सेल होने का चांस ज़्यादा है। आपके पास अगर सेल नहीं भी कर रहे हो, गूगल एडसेंस अगर कोई ऐड चलाता है उस ट्रैफिक को लेकर के, अगर उस पर क्लिक होता है तो उसका वो क्लिक होने की चांस भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, नॉर्मल ब्लॉगिंग में आपको रेगुलर मेहनत करना है, रेगुलर अपडेट करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सपोज आप किसी टोल फ्री नंबर, ICICI बैंक के टोल फ्री नंबर का अगर आप ब्लॉग बना देते हैं और अपने उसी डोमेन से बना दिया, जो कि बहुत चलता है, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिडन टिप्स है, ये कोई नहीं बताता है। सपोज आपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें आपने जो भी ICICI बैंक के कस्टमर केयर का नंबर वगैरह जो आप ऑल ओवर इंडिया का वो इन्फॉर्मेशन दे दिए, और आपने उसका डोमेन रख लिया, ICICI बैंक डोमेन डाल दिया, और उसके बाद उसका जो रिलेटेड है आपने एक्सिस बैंक, SBI सब का आपने डाल दिया उसमें, दूसरे ब्लॉग में आपने सबका डाल दिया। तो आपको क्या करना है ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको ICICI बैंक का जो जो आपने टोल फ्री नंबर डाला है उसका यूज अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा यूज करोगे। इतना ज़्यादा यूज करोगे मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती यूज करोगे, उस वर्ड को बना बना करके इतना यूज करोगे कि जैसे ही कोई सर्च करे ICICI बैंक कस्टमर केयर नंबर आपका ब्लॉग टॉप पे है, वो सर्च करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देखेगा, वो कॉल करेगा, सही इन्फॉर्मेशन है, वो आराम से वो अपना सारा क्वेरी सॉल्व करेगा और क्या करेगा, आपके जो ब्लॉग जहाँ पे उसने गया था उसको बुकमार्क करके सेव कर लेगा। अगली बार अगर उसको उस ब्लॉग पे गया और उसे कुछ अच्छा एडवर्टाइज वहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वो क्लिक करके देखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वहाँ से। तो ब्लॉगिंग दोस्तों, माइक्रो निच ब्लॉगिंग पूरी तरह दिमाग के ऊपर है कि आप उसको कैसे करते हो। मैंने आपको आइडिया दिया है दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे ब्लॉगिंग आइडिया इस पर दूंगा। इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने ऑन पेज बताया है, ऑफ पेज आपको इसका सोशल मीडिया प्रमोशन करना होगा, आपको बैकलिंक तैयार करना होगा, आपको रिलेटेड जो भी ब्लॉग है उस पर कॉमेंट करना होगा जा करके, तो उसके बाद आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ऑन पेज ऑफ पेज दोनों तैयार हो जाएगा। कीवर्ड रिसर्च इसमें ध्यान रखना है, डोमेन रखना है दोस्तों, ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सबसे पहले अपना कीवर्ड तैयार कीजिए अपने माइंड में कि आपको किस कीवर्ड पे काम करना है, और उस कीवर्ड का रिसर्च करके 4-5 अच्छे कीवर्ड आप तैयार करके रख लीजिए, और एक बार डिटरमाइन कर लीजिए फिर मुझे किस पे काम करना है। आपको 15 से 20 पोस्ट तैयार करने हैं, वो आप 5 से 6 दिन में तैयार कर लोगे, और विद इन अ वीक आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव के लिए आप डाल दोगे। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे ही अप्रूव्ड होगा आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। तो गूगल माइक्रो निच ब्लॉग, कंक्लूजन यही है कि माइक्रो निच ब्लॉग मेरे नज़र में बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप कम समय में अर्निंग करना चाहते हो ब्लॉग से तो आप माइक्रो निच कर सकते हो। मैं सिर्फ माइक्रो निच पे ही काम करता हूँ, मैं मेडिसिन का जो इंटीग्रेशन होता है मैं उसके बारे में लिखता हूँ। तो दोस्तों आपको भी कोई ऐसा ही प्रोडक्ट रखना है जिसके प्रोडक्ट के बारे में जिसका सेल भी हो, एवरग्रीन भी हो और जिसका CPC भी हाई हो, तो आप डेफिनेटली अर्निंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।